उतरो। कहाँ है? लाइट और चली गई। महादेव पे जा रहा हूँ। इधर देख ले। अरे बढ़िया सी बहू लेके आऊंगा, खूब सेवा करे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, ऐसा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और हम जा रहे हैं चाचा की बारात में, निक्रोसी निकल रही है। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में, मैं आप लोगों को निक्रोसी दिखाती हूँ। हो सकता है बारात में भी जाऊँ, और बारात में गई तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का ब्लॉग। आजा उतरो। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हो रही है सूतपुराई की रस्म। मैं आई तब तक यहाँ पे सूतपुराई की जो रस्म होती है वो होने लगी। उसके बाद पहनावनी वगैरह होगी, जो भी मतलब दूल्हे को सजाया जाता है वो। फिर बारात जाएगी, बारात में हम भी जाएंगे। तो आप लोग प्लीज शुरू से लेके एंड तक व्लॉग को देखना जरूर, कट कट के मन देख लो। और दोस्तों यहाँ पे लगने लगी है चाचा जी के महावर, और जो लगा रही हैं वो हमारे गांव की 9 जो होती हैं वो दादी हैं। आप लोग ये मत समझना लेट जो के कौन पैर पकड़े हैं लड़का के, मैं बता देती हूँ हमारे गांव की ये 9 है। ये लड़का लड़की सबके लगा सकती हैं। और यहाँ पे स्टार्ट होगी चाचा जी की जो भी पहनावनी होगी, यानी कि दूल्हे राजा को जो भी पहनाया जाता है वो सब कुछ यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बस आप लोग ब्लॉग को कट मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं ये सब कुछ आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी तो आप लोग देखोगे नहीं, क्योंकि बड़ा ब्लॉग हो जाएगा और आप लोगों का नेट भी खर्च होगा, है ना। तो सब कुछ मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाऊंगी इस ब्लॉग में, है ना। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। एक मिनट में जाओ, अरे एक काम है, देखो आया देखो जी, भूत भाग लिए तुम्हारे। हाँ बस ऐसे चलो, अब देखो हाथ लगेगा, अब जो हाथ लगाओ। हाँ भैया देखो, अरे बॉल लगा दे, चलो अब धोती पे हाथ लगा भाई जी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे दूल्हे राजा और दूल्हे राजा के भतीजे तैयार हो चुके हैं। ये छोटे दूल्हा है, वो बड़े दूल्हा है, चाचा भतीजे हैं दोनों लोग। तो ये रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अब निकलने वाली है निक्रोसी, फिर जाएंगे हम बारात में। जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं, मन नहीं है बस मेरा जाने का। पूजा फोटो देखो, इधर देख, तुम जाओ देख लियो एक कमरा में। अरे जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर ले, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करवा यार। कहाँ करूँ यार, मेरे क्या 8:30 बजे लाइट और चली गई। महादेव पे जा रहा हूँ। चेदार बना मेरे किन्ने सजायो रे, चलो तीन कैमरा मैन है देख लियो।
बढ़िया सी बहू लेके आऊंगा, खूब सेवा करे। अब बजन लगी हमें ज्यादा अच्छा लगा था, हमें पकड़ लेते हुए कैमरा मैन। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे गांवों में एक और रस्म होती है जो दूल्हे की मम्मी होती हैं वो बैठकर ये रस्म करती हैं। देखो आप लोग देख रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ। फिर ये जो दूल्हा होता है वो इन पे पैर रख के तब आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी चाहे किधर भी देख लें कोई दिक्कत नहीं, अगर इनको फोड़ दिया फिर आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं देखते हैं फिर इनको फोड़ने के बाद। तो वही रस्म होती है हमारे गाँवों में। किस किस के गाँवों में ये रस्म होती है बताओ कमेंट करके, ठीक है। हमारे गांवों में तो होती है हर जगह। देखो पहले सीधा पांव रखा फिर डेढ़ा, अब यहाँ से निकल जाएंगे फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे वो। कट्टा ज्यादा है कट्टा। पीछे ना देखा, देखे 36 बार पीछे देख चुके। यही तो कह रहा हूँ पीछे ना देखा, 36 बार पीछे देख चुके। कैसे निकाल दूंगा तो दिखा लाइट। देख रही हूँ, देख रही हूँ। मैं तो जमे 500 को धरा हूँ, 500 को बना चीज तो ना ऐसी तो बात तुम ढूंढ नहीं। मैं दू 500 को गाइस। आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बारात में मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं गए थे, इस वजह से लड़कियां कम गई थी और फिर मेरा मन नहीं था गर्मी की वजह से। और कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है, दुल्हन को दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में। तो अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।